तो अब की बार आर पार 130 करोड़ भारतीयों का गुस्सा लगातार देखने को मिल रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में पुलवामा के आतंकी हमले के बाद। और इस बीच प्रधानमंत्री ने कहा है कि सेना और सुरक्षा बलों को खुली छूट दी जाती है। प्रधानमंत्री का बयान क्या आया है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें न्यूज नेशन के साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, जनता के गुस्से से जुड़े तमाम सवालों को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। सुरक्षा बलों को लिए आगे की कार्रवाई तय करने के लिए समय क्या हो, स्थान क्या हो, स्वरूप क्या हो, वो सारे फैसले करने के लिए इजाजत दे दी गई है। पुलवामा हमले के गुनाहगार, पुलवामा हमले के साजिशकर्ताओं को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। हमारा पड़ोसी देश ये भूल रहा है, ये नई नीति और नई रीति वाला भारत है। आतंकी संगठनों और उनके आकाओं ने जो हैवानियत दिखाई है उसका पूरा हिसाब किया जाएगा। सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन के जवान रतन ठाकुर के जम्मू कश्मीर में शहीद होने की खबर जैसे ही उनके घर पहुंची, बुजुर्ग पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, मगर अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाला और पाकिस्तान को ललकार उठे। एक बकरी का बच्चा तक पाकिस्तान में जिंदा नहीं रहना चाहिए, उसका खात्मा कर देना चाहिए सर, पाकिस्तान का खात्मा कर देना चाहिए। गम और गुस्से में डूबे ये शब्द हैं शहीद रतन ठाकुर के पिता के। बिहार के भागलपुर जिले के रतन ठाकुर सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन के सदस्य थे और पुलवामा हमले में शहीद हो गए, मगर जवान बेटे की शहादत ने इस बुजुर्ग और बीमार पिता को कमजोर नहीं पड़ने दिया। अपने एक बेटे को खोने के बाद ये पिता अपने दूसरे बेटे को भी दुश्मनों से भिड़ने के लिए भेजने को तैयार है, यही नहीं खुद भी जंग के मैदान में कूद जाने के लिए बेताब है। इस बेटा को भी हम युद्ध में लड़ने के लिए भेज देंगे, इसको भी भारत माता की कोख में देने के लिए हम तैयार हैं। हमको भी कहिएगा कूदने के लिए उस आग में, तो हम बम बारूद लेकर के हेलीकॉप्टर से कूदेंगे पाकिस्तान में, इस भी स्थिति में भी, लेकिन उसका खत्मा कर देना चाहिए सर। ये महज एक पिता की यलगार नहीं है, वीरों की धरती हिंदुस्तान में ऐसे लाखों करोड़ों पिता हैं जो अपने सपूतों को मां भारत पर न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो सर। मगर इस बलिदान के बदले वो सरकार से ये भरोसा भी चाहते हैं कि आतंकियों के रहनुमा पाकिस्तान को पूरी तरह तबाहो बर्बाद कर दिया जाए, उस पर इतना करारा प्रहार किया जाए जो उसकी ताबूत में आखिरी कील साबित हो। टीम न्यूज नेशन। तो एक शहीद के पिता के शब्द आपने सुने, किस तरीके से वो ललकार रहे हैं, आतंकी मुल्क पाकिस्तान को साफ संदेश दे रहे हैं, एक तरीके से नसीहत दे रहे हैं सरकार को भी कि सख्त एक्शन इस बार आर या पार होना चाहिए। और यही बात न्यूज नेशन लगातार सवाल के तौर पर उठा रहा है और पूछ रहा है आपसे कि क्या आपके मुताबिक आर और पार की स्थिति आ चुकी है पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए, क्या पाकिस्तान से अब जंग ही आखिरी रास्ता है। न्यूज नेशन का बड़ा सवाल जिस मुद्दे पर लगातार आपकी राय सामने आ रही, और 76% लोगों ने कहा है कि हाँ पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो अब जंग ही आखिरी रास्ता है। वहीं दूसरी तरफ सरकार के स्तर पर लगातार एक के बाद एक तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा है कि सेना को खुली छूट दी जा रही है, जगह और वक्त सेना सुरक्षा बल खुद तय करेंगे और करारा जवाब दिया जाएगा इस कायरतापूर्ण हमले के बाद। आपको बता दें अलग अलग तरीके के कदम सरकार के स्तर पर उठाए जा रहे हैं। भारत के
पाकिस्तान में मौजूद उच्चायुक्त अजय विसारिया को भारत बुलाया गया है मंथन के लिए, रणनीति बनाने के लिए कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाई जा सकती हैं, किस तरीके से पाकिस्तान को बेनकाब किया जा सकता है, किस तरीके से पाकिस्तान को आतंक के मोर्चे पर कमजोर किया जा सकता है। इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त अजय विसारिया को भारत सरकार ने वापस बुलाया है रणनीति बनाने के लिए, ताकि आगे की तस्वीर साफ हो चुके। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है सुरक्षा बलों से कि आपको खुली छूट दी जाती है, अपने हिसाब से आप एक्शन तय कीजिए, आप जगह तय कीजिए, आप वक्त तय कीजिए। तो एक तरफ डिप्लोमेटिक स्तर पर सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सेना के मनोबल में कोई कमी ना आए इस लिहाज से खुली छूट देने की कोशिश भारत सरकार के द्वारा। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो श्रीनगर की है, जहां पर खुद गृहमंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए उन तमाम जवानों को जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया, जिन परिवारों ने अपने लालों को खोया है। उनका भी यही सवाल है कि इस बार सख्त एक्शन दिखना चाहिए आतंक के खिलाफ। और श्रद्धांजलि देने खुद पहुंचे हैं गृहमंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर में, जो सीआरपीएफ के तवान शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साथ ही साथ एक हाई लेवल मीटिंग वहां पर चल रही है किस तरीके से आगे पाकिस्तान को जवाब दिया जा सकता है अलग अलग मोर्चों पर, इसको लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी मौजूद रहे, सुरक्षा बलों के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, और ये बैठक लगातार जारी है श्रीनगर में पाकिस्तान के खिलाफ अगले एक्शन को लेकर। न्यूज नेशन की एक खास कवरेज लगातार जारी है। अब की बार आर पार ये सवाल हर किसी के जहन में है, आतंकी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए पुलवामा के कायरतापूर्ण हमले के बाद। हमारे साथ खास मेहमान देश के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल साहब जुड़े हुए हैं न्यूज नेशन के साथ, उनसे तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें, न्यूज नेशन जो सवाल पूछ रहा है इस हमले के बाद, उस पर आपकी राय क्या है? हमने पूछा क्या पाकिस्तान से अब जंग ही आखिरी रास्ता है, 77% लोगों ने कहा हाँ। शिवराज पाटिल साहब, आपका रुख करूंगा, देश का मूड क्या है आपके सामने है? और इस बीच प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम सेना को खुली छूट देते हैं, लोगों की नाराजगी और प्रधानमंत्री के बयान को किस तरीके से आप देखते हैं सर? मैं सबसे पहले जो हमारे सीआरपीएफ के भाई शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो लोगों को इंजुरी हुई है उनको जितनी भी मदद दे सकते हैं वो देने का इंतजाम सरकार की तरफ से किया जा रहा है जी, ठीक बात है। और भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है तो ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद उनके घर के लोगों को आगे चलकर मुसीबत नहीं आए इसके लिए जितनी हम मदद दे सकते हैं वो देने का भी काम करना चाहिए। और ये जो मसला यहाँ पर निर्माण हुआ है उसको किस प्रकार से हल करना है इसके बारे में सही ढंग से सोच कर जो भी सरकार करना चाहेगी उसके बारे में हमारे नेता ने कह दिया है, राहुल गांधी जी ने कह दिया है कि हम इस संकट के मौके पर सरकार के साथ हमेशा के लिए रहेंगे जी। अब इसके बाद जो हमको जो करना है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं, कश्मीर के लोग, हिंदुस्तान के लोग हैं, उनको कोई तकलीफ न हो ये भी देखने की जरूरत है। लेकिन और उसके साथ साथ पाकिस्तान को भी ये मालूम कराने की जरूरत है कि ऐसा होने पर जो है ये जो प्रश्न है बड़े विकट हो सकते हैं, इसके लिए उनको जो है सही ढंग से इस पर काम करना जरूरी है। शिवराज पाटिल साहब, जब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था तब आप देश के गृह मंत्री थे, आपने बहुत करीब से जनता के गुस्से को भी देखा है, नाराजगी को भी देखा है, क्या आपको लगता है कि वक्त एक और सर्जिकल स्ट्राइक या उसी तरीके के एक और सख्त एक्शन का है इस कायराना हमले के बाद? अब मैं ये गवर्नमेंट पर छोड़ देता हूं
और उनको कह देता हूं कि लोगों का जो कहना है वो पूरी तरीके से सुन ले, और सुनने के बाद जो कुछ भी उनको करने का है उसके बारे में पूरी तरह से सोच विचार करें। वो सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, दूसरे लोगों के से भी चर्चा करके करें, और हमारे जो सैनिक हैं ऐसे मौके को सामना करने में ताकत जरूर रखते हैं, उनका किस प्रकार से उपयोग कर लेने का है उसका भी वो विचार करें। तो आप कह रहे हैं कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक पर विचार किया जा सकता है अगर सरकार चाहे तो, विपक्ष सरकार के साथ है। शिवराज पाटिल जी, मैं ये कहता हूं कि ऐसे जो हालात के निर्माण करने वाले लोग हैं उनके उनके दिमाग में गलतियां होती हैं, और वो धर्म के नाम पर वो धर्म को गलत समझकर झगड़ा करने की कोशिश करते हैं। ये कहीं भी नहीं होना चाहिए, दुनिया के किसी हिस्से में भी नहीं होना चाहिए, उसका बहुत बुरा असर होता है। ये जो हो रहा है वो धर्म को गलत समझने में हो रहा है। धर्म को अगर हम लोगों ने सही ढंग से समझा जी, तो ये नहीं होगा, और दुनिया एक होने की बात चल रही है। यहां पर इस प्रकार से कर हमारे देश को तोड़ने की किसी की भी ताकत नहीं है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। बिल्कुल, लेकिन जो देश के अंदर बैठे अलगाववादी जिनको भारत सरकार की तरफ से सुरक्षा मिलती है, और सिर्फ सुरक्षा नहीं मिलती है, सीआरपीएफ के जवान ही सुरक्षा उनको देते हैं आम जनता के टैक्स के पैसे के आधार पर, आपको लगता है शिवराज पाटिल साहब के इस कायराना हमले के बाद अलगाववादियों को भी एक सख्त संदेश दिया जाना चाहिए क्यों उनको सुरक्षा मिले जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की साजिश रचते हैं? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, वो जो कोई है उनको उनके खिलाफ पूरी तरह से जानकारी लेकर जिस प्रकार से भी हमको उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है वो जरूर करना चाहिए, वो बाहर के हो या यहां के हो, मगर यहां के जो लोग हैं जो सही ढंग से सोचते हैं उनको जात के नाम पर धर्म के नाम पर ऐसी छोटी चीजों को गलत फहमियां दिमाग में लेकर उसके अंदर भी किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये भी देखना जरूरी है। और पड़ोसी राष्ट्र हमारे खिलाफ जो कुछ भी कर रहे हैं उसको समझकर उनको भी ये पूरी तरह से बोलना जरूरी है, बताना जरूरी है कि इसका फायदा उनको नहीं होगा, और अगर कुछ होगा तो सबके लिए उसका असर बुरा होगा जी, ये भी हमको बताने की जरूरत है। शिवराज पाटिल साहब, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, इस हमले के बाद सरकार के स्तर पर जो कदम उठाए जा रहे हैं, मसलन पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा है उसको वापस ले लिया गया है, गृह मंत्री पहुंचे हैं श्रीनगर, उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, तमाम तरीके के और कदम उठाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं आतंक के खात्मे के लिए? आतंक का मामला एक है, और दूसरे जो देश में रहने वाले सही विचार करने वाले लोग हैं उनके साथ का मामला दूसरा है। आतंक जो कराते हैं उनके दिमाग में ही गलत फहमियां होती हैं, और उस गलत फहमी का फायदा वो लेकर इस प्रकार के हालात निर्माण करते हैं, और उनकी दृष्टि दूर की नहीं होती है इसीलिए होता है, वो भी नहीं होना चाहिए, ये बताने की जरूरत है। और वो किस प्रकार से बताते हैं वो सही ढंग से बताने की कोशिश सबकी तरफ से होनी चाहिए। चलिए, तो सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए सरकार को, विपक्ष सरकार के साथ है, और आर पार की स्थिति अगर नजर आती है तो सख्त कदम जरूर उठाए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज पाटिल साहब न्यूज नेशन से जुड़ने के लिए और अपने अनुभव को साझा करने के लिए। न्यूज नेशन लगातार इस बड़ी खबर पर बना हुआ